खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया, तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट के जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना। सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना गठबंधन तय किया, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपनी सीटें घोषित की, सबसे पहले समाजवादी पार्टी ने अपना प्रचार शुरू कर दिया। और आप देखना, सबसे पहले जीत का भी जो संदेश आएगा वो समाजवादी पार्टी और गठबंधन का होगा। तो सबसे पहले गठबंधन किया, सबसे पहले सीटों का बंटवारा किया, सबसे पहले पार्टी कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया, तो आप पहली सूचना भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन की सीट के जीत का आपको सुनने को मिलेगा। जहां तक बीजेपी का सवाल है, कल भी आपने भाषण सुना होगा, जो एयरपोर्ट रनवे का उद्घाटन हुआ वो समाजवादी पार्टी की सरकार में बना, नेताजी के समय पर बना। उसका एक्सपेंशन समाजवादी पिछली सरकार में हुआ, चाहे वो आजमगढ़ हो, चित्रकूट हो, मुरादाबाद हो या लखनऊ का जो टर्मिनल बना है, जिस समय समाजवादी सरकार थी लैंड एंड एक्विजिशन से लेकर के सब काम उस समय हुए थे और उसका परिणाम ये हुआ कि आज आपको वो काम सब दिखाई दे रहे हैं। ये जो नारा देते हैं सबका साथ सबका विकास, ये सबसे ज्यादा झूठ है। सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है, सबका साथ कहाँ दिखाई दे रहा है, सबका विकास कहाँ दिखाई दे रहा है, सबका विश्वास कहाँ है? इससे ज्यादा झूठा नारा और क्या हो सकता है। इसीलिए ये चुनाव संविधान बचाने का है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान दिया उसको बचाने का है, लोकतंत्र बचाने का है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो समाजवादी सपना देखा उसको बचाने का है, नेताजी ने जो रास्ता दिखाया किसान गरीब अल्पसंख्यक मुस्लिम भाइयों का, उनका हक और सम्मान बचाने का चुनाव है। सर आपने इसलिए एक तरफ जनता खड़ी होगी और कुछ तरफ दूसरे तरफ थोड़े से भाजपा ही खड़े दिखाई देंगे। अनंत कुमार हेगड़े ने जिस तरीके से कहा है उसका सवाल का जवाब दे दीजिए। असली पीडीए उनके पास है जो 7 कैंडिडेट उन्होंने घोषित किए, कम से कम पीडीए में तो आ गए वो। पीडीए तो उनके मुंह से निकलने लगा, कम से कम पीडीए तो मुंह से निकलने लगा। उस जो बीजेपी में है वो नकली पीडीए है। कल भी मैंने कहा था, कई बार कहा सदन में कहा और फिर कहता हूं मैं, जो लोग 46 से 56 की बात कहते थे, आज बताएं कि वाइस चांसलर्स जो अपॉइंट हुए वो कितने हुए पीडीए, और वाइस चांसलर्स ने जो अपॉइंट किए हैं उसमें पीडीए कितने हैं, जिलों में पीडीए कितने हैं, जिलों की अधिकारियों की पोस्टिंग में कितना पीडीए है। ये सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, कलाम साहब के नाम पर बनी थी, टेक्निकल यूनिवर्सिटी, उसने बताओ डायरेक्टर्स कितने पीडीए के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी पीडीए का केवल वोट लेना जानती है लेकिन उनको हक सम्मान नहीं दिलाना चाहती। भारतीय जनता पार्टी जानती है कि 60 लाख बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया उन्होंने, और मैंने वो गणित कई बार समझाया, फिर समझाता हूं मैं आपको। अगर उनके माता पिता को जोड़ लें और जिस अभ्यर्थी ने परीक्षा लिखी थी हम उसको जोड़ लें, तो अगर हम 3 लोग जोड़ लें और 60 लाख लोगों का भविष्य इन्होंने अंधकार में किया, तो 60 लाख गुणा 3 1 करोड़ 80 लाख,
और 1,80,00,000 अगर हम भाग दे देंगे 80 लोकसभाओं से, तो 2,25,000 वोट इनके कम हो गए हर लोकसभा में। ये घबराहट है। सोचिए कि हर लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के 2,25,000 वोट कम हुए हैं। और जो लोग किसान की आय दोगुनी की बात कर रहे थे, क्या आय दोगुनी हो गई? तो ये तमाम सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी पास नहीं। पसमांदा मुस्लिम समाज के जो प्रमुख हैं, उन्होंने कल कहा कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को वोट करेंगे, जबकि भाजपा पसमांदा की ही बात कर रही है। देखिए, आप इन चीजों को बांटिए मत। पूरे देश की जनता और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता स्वागत भी अच्छा करती है और इस बार विदाई भी बहुत अच्छी करेगी। वो आप सुन नहीं पा रहे ढंग से। वो 400 पार नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं 400 हार। आप सुनने में भी गलती करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड पे क्या कहेंगे सर? हमें कम मिला, ज्यादा मिलता। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।